मैं तो सबसे कहता हूँ, यहीं के पत्रकारों से नहीं, मैं तो देश के पत्रकारों से कहता हूँ कि अगर नेता आपकी तरफ उंगली उठाए तो उंगली तोड़ दो, सीधी सी बात है। तो अगर आप नहीं लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है उनके खिलाफ कोई लड़ेगा तो उसको सपोर्ट भी करेंगे आप? कुछ तो मुझे लड़वा के मानोगे मिस्टर पर्णव चैंपियन, जस्ट कीप इट इन योर माइंड दैट द पर्सन हु नोज वेरी वेल इंग्लिश हैज नो राइट टू इंसल्ट एनीवन ऑन द रोड और एनीवे। पत्रकारों का कोई शैक्षिक योग्यता का मापदंड नहीं होना चाहिए, चूंकि आप बताएंगे और आपको लेकर के बहुत सारे लोग पत्रकारों के मामले में शैक्षिक योग्यता का मापदंड होना अति आवश्यक है। जरा मैं तो कह रहा हूँ, खुली चुनौती दे रहा हूँ, एक बार आप मेरे किसी भी पत्रकार भाई की तरफ उंगली उठा के कह के और हैसियत पूछ के दिखाओ, फिर आपकी हैसियत मैं बताऊंगा आपको। आप किस बैच के आईएफएस अधिकारी हैं, रहे हैं, उसका जवाब दीजिए, क्योंकि सैकड़ों आईएफएस आईएएस अधिकारी हमारे भी दोस्त हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अखिलेश और इस वक्त आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। जैसा कि आप सभी को पता है कि खानपुर विधानसभा के विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने जब पत्रकारों से सवाल पूछ दिया तो उनको लेकर के उमेश कुमार जी ने लाइव आकर के बहुत सारी बातें कही। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मैं चुनाव लड़ूंगा। तो सवाल सर आपसे साफ साफ मैं पूछता हूँ, चुनाव आप लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? आप ये बताइए कि मैं यहाँ से बाहर जाने के बाद सुरक्षित रहूँगा नहीं रहूँगा, इसका भरोसा नहीं है। चुनाव लड़ना, देखिए आप पूछ रहे हैं मुझसे 2022 में मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, तो वक्त बताएगा। वक्त चूँकि आपने अनाउंस तो कर दिया तो उस वक्त ही मैं चुनाव लड़ूंगा। मैंने तो उनको ये चुनौती दी कि आप कहते हैं कि आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है, आइए हम आपको उसमें चुनौती देते हैं कि आपकी क्या है और हमारे पत्रकार भाइयों की शैक्षिक योग्यता चेक करो। आपने कहा तुम्हारी हैसियत क्या है, हमने कहा ठीक है साहब, आपकी हैसियत जो चुनाव आयोग में आपने शपथ पत्र दिया है उसके हिसाब से आपके पास 2.5 करोड़ 3 करोड़ रुपये जो भी संपत्ति होगी, मैंने कहा इतने की मेरे पास गाड़ी है, ठीक है। आपने कहा कि साहब मैं आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है मुझे बताइए, मैंने आपसे कहा कि साहब शपथ पत्र के अनुसार आप मेरठ यूनिवर्सिटी से बीएससी हो, मैंने गलत क्या कहा? आप कहते हो मैं आईएफएस हूँ या मैं आईएएस रहा हूँ, जो भी रहे आप इंडियन फॉरेन सर्विसेज में रहे या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में रहे हमें नहीं पता, लेकिन हमने ये पूछा कि अगर आपने सिविल सर्विसेज में हिस्सा लिया था तो वो सिविल सर्विसेज में हिस्सा लेने के बाद जब आप पास हुए थे तो किस वर्ष में हुए थे आप बताइए। बैच होता है ना, हर अधिकारी का बैच होता है कि भाई ये 2007 बैच के हैं, 99 बैच के, 98 बैच के, आप किस बैच के आईएफएस अधिकारी हैं, रहे हैं, उसका जवाब दीजिए, क्योंकि सैकड़ों आईएफएस आईएएस अधिकारी हमारे भी दोस्त हैं, हम सबसे पूछते कहते पता नहीं भाई कौन से बैच के। और दो सन 94 से लेके, बल्कि 94 भी नहीं, सन 82 से लेके आज तक के हर बैच में मेरा कोई ना कोई मित्र रहा है। बहुत से बैच तो ऐसे हैं जिसमें पूरा बैच मेरा मित्र है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि वो सभी कहते हैं यार पता नहीं कौन से बैच में थे, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कौन से बैच में आप आईएफएस थे, गलत क्या पूछना? आप पत्रकारों से उनकी हैसियत पूछोगे, हम आपसे सवाल करें? मैं एक सवाल कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि आप बहुत से लोग हैं जो आपको रोल मॉडल भी मानते हैं कि पत्रकारिता जगत में आपने बहुत अच्छा नाम कमाया है और आप मेहनत भी कर रहे हैं और बहुत जल्द आपने दिल्ली में भी आपने एस्टैब्लिश किया चीज़ों को, लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या आप पत्रकारिता के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं सवाल कर रहा हूँ, क्या पत्रकारिता के लिए पत्रकारों का कोई शैक्षिक योग्यता का मापदंड नहीं होना चाहिए, चूँकि आप बताएंगे और आपको लेकर के बहुत सारे लोग समझ। पत्रकारों के मामले में शैक्षिक योग्यता का मापदंड होना अति आवश्यक है। उसका कारण ये है कि बहुत से मामले आप देखते हैं 8वीं 10वीं पास लोग जो हैं, 6ठी पास, वो लोग जो हैं माइक ले लेते हैं या कहीं ना कहीं संस्थान से प्रेस का कार्ड ले लेते हैं और उसके बाद वो मनमाने स्तर पर जाके लोगों से ट्रीट करते हैं। देखिए क्या है कि एक हम एक चौथा स्तंभ हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो रुड़की का एक छोटा पत्रकार भी रिप्रेजेंटेटिव है और देश का बड़ा पत्रकार भी पत्रकारिता के स्तंभ का रिप्रेजेंटेटिव है। जब हम कहीं जाएं और हम किसी अधिकारी से बात करें तो उसको लगना चाहिए कि पढ़ी लिखी कौम के लोग आए हैं। तो इसलिए पत्रकारों का पढ़ा लिखा होना और उनका समझदार होना, इंटेलेक्चुअल होना बहुत ज़रूरी है। मैं फिर कहता हूँ कि पत्रकार बनने के बाद भी आपको पढ़ते रहना चाहिए, आपको इंटरनेट पे चीज़ों का अपडेट रहना चाहिए, आपको राजनीतिक घटनाक्रम क्या चल रहा है उसका अपडेट रहना चाहिए। आप क्योंकि कहाँ कौन नेता आपसे क्या पूछ लेगा या आप उससे क्या पूछ रहे हैं, उसे ये नहीं लगना चाहिए कि कौन अनाड़ी आ गया। तो इसलिए जब आप पत्रकारिता जो है चौथा स्तंभ उसके ध्वजवाहक हैं तो ध्वजवाहक जो है रुड़की का भी जो है एकदम लगना चाहिए कि हाँ ये पढ़ा लिखा आदमी है और दिल्ली का भी लगना चाहिए कि हाँ पढ़ा लिखा आदमी है।
जज ने जो सवाल किया कि भाई पत्रकारिता, भाई एजुकेशन अगर पूछ दी और हैसियत वाली बात को लेकर के तो आपने रिप्लाई किया, एजुकेशन वाली बात को जो आप खुद कह रहे हैं कि हाँ मापदंड होना चाहिए, कोई ना कोई मेजरमेंट होना चाहिए। आपने किस सवाल पे मेरे से शैक्षिक योग्यता पूछी थी पहले तो ये बताइए। मैं शैक्षिक योग्यता उसी बात को लेकर के नॉर्मल जो आप बता रहे थे कि पत्रकारिता, पत्रकारिता के मैं मापदंड के अनुसार पूछना चाह रहा हूँ कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने शैक्षिक योग्यता नहीं पूछी थी, उन्होंने आपके ऊपर सरकास्टिक होकर आपकी बेइज्जती की थी। आप मुझसे सम्मान से पूछिए बाद में कि यार कहाँ से पढ़े हो यार, व्हाट इज योर एजुकेशन, लहजा योग्यता क्या है, क्या हो तुम, कहाँ से, क्या पढ़े लिखे हो, मेरे बारे में बयान भेजी, तुम्हें टीआरपी चाहिए होती है, व्हाट इज दिस दिस दैट, मतलब यू दिस डजंट मेक डिफरेंस। एरोगेंसी थी, वो एरोगेंसी दिख रही थी वहाँ पे। आई टेल यू वन थिंग, इफ यू आर नोन टू इंग्लिश, यू आर ए लर्नेड पर्सन, यू डोंट हैव राइट टू डिसरिस्पेक्ट एनीबडी, यू डोंट हैव राइट टू इंसल्ट एनीबडी, ये पत्रकार है या कोई भी है, यू डोंट हैव राइट। आई एम टेलिंग यू मिस्टर प्रणव चैंपियन, जस्ट कीप इट इन योर माइंड दैट द पर्सन हु नोज वेरी वेल इंग्लिश हैज नो राइट टू इंसल्ट एनीवन ऑन द रोड और एनीवेयर। कोई भी लैंग्वेज ये नहीं सिखाता कि दस दया इन्हों कि तुसी पंजाबी भी जानते हो अच्छी गल हैगी, पर मेरा कहना हैगा कि तुसी राह चलदे नू पंजाबी ना सुनाया करो, सानू पता है तुहानू पंजाबी आंदी है कि तुसी पंजाब जाके पंजाबी नहीं बोलते, वो दूजी गल हैगी। देखो ये राजनेताओं के तरीके से भी आपने रिप्लाई किया कि सारी लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज की उन्होंने बात की थी कि मुझे भाषाएं आती हैं, उन भाषाओं में भी आपने रिप्लाई कर दिया। मैं तो कह रहा हूँ आप फॉरेन लैंग्वेजेस जानते होते, आप रशियन जानते होते, आप पुर्तगीज जानते होते, आप फ्रेंच जानते होते, तो मैं कहता यार हाँ आप लर्नेड हैं, आपको चार भाषाएँ आती हैं, भाई आप हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, बट ये जो चार भाषाएं आप बार बार पत्रकारों को कहते हो, तो व्हाट इज़ योर एजुकेशन, तुम्हारी शैक्षिक योग्यता क्या है। मैं चार भाषाओं का ज्ञाता हूँ, कौन सी, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कई लोग को जवाब ये भी दिया कि चुनाव हो सकता है कि मैं ना भी लड़ूं, तो अगर आप नहीं लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है उनके खिलाफ कोई लड़ेगा तो उसको सपोर्ट भी करेंगे आप कुछ, तो मुझे लड़वा के मानोगे। देखिए वो लोग क्लैपिंग कर रहे हैं, सभी पत्रकार क्लैपिंग कर रहे हैं, शायद हो सकता है कि लड़वा के ही मान। मैंने कहा ना कि मुझे लगता है आप लोग लड़वा के ही मानोगे, कोई बात नहीं यार। अब ऐसा है, देखो बात सुनो, धर्म युद्ध में सब कुछ जायज़ है, और जब आप अपनी कौम की लड़ाई लड़ते हैं ना, तो कौम की लड़ाइयों में कभी ये नहीं देखा जाता कि आपका वध हुआ या सामने वाले का हुआ, लड़ाई तो लड़ाई है। और एक बात और कि सम्मान से जिए, क्योंकि जो वीर होता है ना और लड़ते लड़ते वो मर भी जाता है, तो उसके जीने में भी शान होती है और उसके मरने में भी शान होती है, तो सम्मान के साथ ये नहीं कि कोई भी आदमी रहा चलता आपको दो बातें सुना के चल दे। मैं तो सबसे कहता हूँ, यहीं के पत्रकारों से नहीं, मैं तो देश के पत्रकारों से कहता हूँ कि अगर नेता आपकी तरफ उंगली उठाए तो उंगली तोड़ दो, सीधी सी बात है। नेता उंगली उठाए तो उंगली तोड़ दो, बस अगर आपके ऊपर नेता उंगली उठाए तो उंगली तोड़ दो बस। लास्ट में वो सवाल का जवाब आपने नहीं दिया जो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप चुनाव नहीं लड़ते हैं, इन केस, क्योंकि आपने बोला कि भाई पत्रकार लोग लड़ाएंगे, चुनाव अगर नहीं लड़ते हैं तो आप किसी को समर्थन तो देंगे ना। समर्थन दूँ किसी को भाई, मैं क्यों दूँ, मैंने आपसे कहा मैं नेता नहीं हूँ, ठीक है, कांग्रेस भाजपा से मेरा 36 का आंकड़ा है, ठीक है, अब आप क्या चाहते हैं कि मैं जाके बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, UKD और अन्य संगठनों को जाके समर्थन दे दूँ, क्यों दे दूँ भाई, मैं अपनी कौम की लड़ाई लड़ रहा हूँ, लड़ेंगे, अब दोबारा एक बार बोल के दिखाएं जरा, मैं तो कह रहा हूँ, खुली चुनौती दे रहा हूँ, एक बार आप मेरे किसी भी पत्रकार भाई की तरफ उंगली उठा के कह के और हैसियत पूछ के दिखाओ, फिर आपकी हैसियत मैं बताऊँगा आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मतलब अगर दोबारा अगर चुनौती मिली तो लड़ करके रहेंगे, उमेश कुमार जी का बहुत साफ सुथरा स्टेटमेंट है, ये इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। सुलझे हुए शब्दों में बहुत सारी बातें इन्होंने कही, मुझे लगता है कि आप लोग को भी समझ में आ रही होंगी। खानपुर विधानसभा को लेकर के बहुत सारे अपडेट होंगे, हरिद्वार जिले से संबंधित जितनी विधानसभाएं हैं उन सभी को लेकर के हम लगातार अपडेट आपको करते रहेंगे। बस आपको क्या करना है, आपको छोटा सा काम करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, फेसबुक को लाइक और फॉलो कर लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।